गुना के बामोरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दो बड़ी घोषणाएं की। पहली कि एनपी का रैक केरल से बामोरी में 12 अक्टूबर तक पहुंच जाएगा और डीएपी का रैक लोड होकर 13 तारीख को गुना शिवपुरी के अन्नदाताओं के लिए उपलब्ध होगा। वहीं घोषणा जो दूसरी थी वो बांध परियोजना को लेकर थी। कहा कि 920 करोड़ रुपए की लागत से बांध परियोजना स्थापित की जाएगी। इस परियोजना से बामोरी से चाचौरा तक 12,600 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और कुल 17,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का प्रबंध किया जाएगा। साथ ही सिंधिया ने कहा कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक बामोरी को पंजाब जैसा समृद्ध इलाका न बना देता। इसके अलावा ये भी कहा कि हमें मध्य प्रदेश में सदस्यता टारगेट 1 करोड़ से बढ़ाकर 2.5 करोड़ तक ले जाना चाहिए। अभी केरला में एनपीके का रेट लोड हो रहा है, 12 तारीख को आ रहा है गुना अशोकनगर से और 8 तारीख को एक रेट डीएपी का लोड हो रहा है, 13 तारीख को यहां पहुंचेगा।